दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड नजर आ रही तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू द ब्लॉग। तो मैं अभी शिमला पहुँचा, तो कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था और मतलब एकदम से प्लान बना शिमला आने का। तो हमने यहाँ से अब सीधा रिवालसर जाना है, तो रिवालसर में क्योंकि थोड़ा बहुत पूजा करवाना है और रिवालसर से फिर हम डायरेक्ट मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ से सीधा रोड चले जाएंगे। तो अभी मैं फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, मैं जस्ट अभी अभी उठाई हूँ, तो मैं फटाफट फ्रेश होता हूँ, तो मिलते हैं। जी दोस्तों, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, मम्मा भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फटाफट। मैं परौंठा खाते हुए जा रहा हूँ, खाते खाते चलूँगा, तो चलते हैं, तो मिलते हैं सीधा अब रिवालसर में। ठीक है मशू, चलो चलो। तो अभी हम चमाकड़ी पुल पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और अभी हम यहाँ पे फ्रूट जूस पियेंगे और जूस खाएंगे, फ्रूट जूस पियेंगे और फ्रूट चाट खाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे अब हरियाली मतलब हो गई है, अब गर्मी हो गया ना तो हरा भरा हो रहा है अब। तो यहाँ पे ऊपर जैसे एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि दो गाड़ियों के बीच एक्सीडेंट हुआ, खा पी के चले हुए थे तो आगे पीछे एक्सीडेंट हो गया। तो अब चलो, मतलब वैसे तो सब ठीक है, मतलब जान तो बच गई है। तो अब हम यहाँ से फटाफट खाएँगे पियेंगे और थोड़ा आगे की ओर चल जाएंगे। थोड़ा नहीं होता, पता नहीं, मेरे को पता नहीं लगता मैं क्या बोल रहा होता, इसलिए थोड़ा बुरा मत माना। अब फटाफट आगे की ओर जाएंगे, मतलब रिवालसर अब रुकेंगे, नॉन स्टॉप चलते रहेंगे। तो ऐसे भी लेट हो गए क्योंकि कल निकलना भी है, तो आज पूजा भी कराना है, तो मिलते हैं अब सीधा रिवालसर में। तो हे दोस्तों, तो अब हम रिवालसर पहुँच चुके हैं, जैसे देख सकते हो, और टाइम यहाँ पे 5 बज गए, सुबह 10 बजे का निकले थे और 5 बज गए, बहुत लेट हो गया। और मुँह का तो ऐसा धजिया उड़ा हुआ है, पूरा मिट्टी मिट्टी लगा हुआ है, इतना रास्ते में धूल ही धूल था, यहाँ देखो देख सकते अभी भी यहाँ पे धूल चिपका हुआ है। तो अभी हम रिवालसर में पहुँचे, देख सकते हैं यहाँ पे पीछे मूर्ति दिख रही होगी, तो अगर गुरु रिंपोचे की। तो अब हम फटाफट यहाँ से जाएंगे, मतलब कोहरा लगाते हुए आगे से मतलब घूमते थे क्योंकि उल्टा नहीं घूमते यहाँ से। तो कुछ खाएंगे पीएंगे, फिर फ्रेश होंगे, तब थोड़ा मंदिर की ओर जाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग अभी रूम में पहुँच चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं सिंपल सा है, ठीक है, रात ही तो काटनी है, मतलब एक ही रात की तो बात है। तो अब मैं यहाँ पर फटाफट फ्रेश होंगे। तो जब हम पहले जो आए थे ना, जो वीडियो डिलीट हो चुकी थी, सारी फाइल से ही गायब हो चुकी थी, और जो मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया था वो यहीं का है, वो हादसा मुझे अभी तक याद है, तो उस हादसे को भूल जाइए अब। तो अभी आप लोगों का भाई वीडियो बनाएगा, ठीक है, तो कल डाल देगा, आप टेंशन मत लिए। तो यहाँ पे हम लोग का रूम मिल गया और मैं फ्रेश हो जाता हूँ फटाफट। नीचे मम्मा चली गई है, वो ऑर्डर दे दिया उन्होंने, शायद आ गया होगा। और यहाँ इस होटल की जो खासियत है ना, यहाँ से सीधा गुरु रिंपोचे की मूर्ति दिखती है, आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। ये देखो दोस्तों, ये जो ऊपर है ना यहाँ पे मूर्ति गुरु रिंपोचे की, ये यहाँ से साफ साफ दिखाई देती है, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ठीक से क्योंकि यहाँ पे जाली लगा हुआ है अभी। तो अगर हो सका तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा बाद में साफ साफ, ठीक है। और यहाँ पे शाम भी हो चुका है, यहाँ का जो व्यू है बहुत मस्त है, यहाँ पे आगे ये झील, ये ऊपर सीढ़ियाँ और रूम्स के लिए। तो यहाँ से कोहरा लगाते हुए मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगा। अभी के लिए हम हो जाते फ्रेश फटाफट, तो फिर जाते हैं नीचे, थोड़ा मुँह भी लगा है, ठीक है, मिलते हैं थोड़ा। तो अभी दोस्तों मैं फ्रेश हो गया और मैं यहाँ नीचे आया था, मम्मा ने ऑर्डर कर दिया था, मुझे थिंदू का ऑर्डर किया था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे प्यारा सा कुत्ता भी दिखाता हूँ, ये मेरा खाना आ चुका है, देख सकते हैं थिंदू। और यहाँ पे जो डॉगी है प्यारा सा कहाँ गया, टेबल के नीचे। देखते हैं, आ जाओ ना भाई, अंदर बैठा हुआ छुप।
और मैं फटाफट खा लेता हूँ, ठंडा हो गया। दोस्तों अभी मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं सब कुछ पेट भर गया है, मैं आगे की ओर जा रहा हूँ थोड़ा, तो आगे की ओर चलते चलते साइकिल वाले दिखाता है, रेंट में साइकिल चलाऊँगा थोड़ी देर, देखता हूँ अगर कैसा सीन होता है। तो मम्मा लोग अभी रूम में आराम कर रहे हैं, सामान लेना अभी थोड़ी देर से, तो अभी तो बहुत नींद आ रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे और भी लोग मतलब घूम रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड देख सकते हैं पीछे से, मतलब आधे से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे बंद हो चुकी हुई है। तो शाम के टाइम जो है ना बहुत अच्छा लगता है घूमना। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है, देख सकते हैं इसे, यहाँ पे इस तरफ को हिंदू मंदिर है, आगे को यहाँ पे गुरुद्वारा है, इधर को हमारा बुद्धिस्ट मंदिर है। तो यहाँ पे जी कैसे, तो जो है मेरे पीछे झील है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि तो देखो, तो झील के जो पार को जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो गुरुद्वारा है। तो मैं आगे की ओर कर रहा हूँ, पर ही जाते हैं हम देखते हैं कैसे है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अभी साइकिल चला रहा था, मैंने आपको बोला था पहले भी यहाँ साइकिल है यहाँ पे, तो अब मैं पूरे 3 राउंड लगाऊँगा, तो राउंड लगाने के बाद देखते हैं आपको, ठीक है। दोस्तों अब मैं साइकिल से आ गया हूँ, मतलब मैंने 6 चक्कर मारा पूरा साइकिल का, और पैदल मतलब 2 बार मैं चक्कर मार लिया पैदल। तो झील के पास जा रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे रात हो गया है, वैसे व्यू तो अब कुछ दिखेगा नहीं, अगर दिखा सकता हूँ तो फिर भी दिखा लूँगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, तो मिलते हैं सीधा झील। तो दोस्तों अब मैं अपने रूम में आ गया हूँ वापस, तो हम लोग मतलब दिखा नहीं पाया, मैं बहुत अंधेरा था तो कुछ दिखना भी नहीं था ऐसे भी। तो अब डिनर तो करना नहीं है क्योंकि शाम को ऐसे ही खाया था, मेरा पेट भर गया वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सो जाऊँगा फटाफट। तो आज मैं मंदिर नहीं ले जा पाया आप लोगों को क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था, मैं टाइम नहीं मिला मेरे को इतना, सही घर से चला रहा था मैं। अब हम मिलते हैं सुबह आप लोगों को नई व्लॉग के साथ, तो तब तक लिए बाय टाटा गुड नाइट। अगर आपको व्लॉग अच्छा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तब तक लिए बाय गुड नाइट।